गीता जी, आज आपके शुभ प्रसंग के लिए खास एक केक का ऑर्डर भी दिए हैं। ओहो, बस अभी आता ही होगा केक। ओह माय गॉड, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू जेठा जी। तो दया दया का आइडिया था ये। दया भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दया भाभी। बबीता, अब वक्त आ गया है तुम्हारी सरप्राइज गिफ्ट का। अरे भाई बता भाई, क्या तुम गिफ्ट देने वाले हो? सरप्राइज भाई बताइए क्या है सरप्राइज गिफ्ट? भाई बता रहे थे कल सुड़की शॉप पे, भाई सरप्राइज देने वाले। प्लीज बताइए ना। हाँ लाल पट्टी, बोलो निकल के एक सरप्राइज गिफ्ट में लाल पट्टी निकाली। को यह पसंद होगा तो उनकी मर्जी है, लेकिन लाल पट्टी में क्या सरप्राइज होगा? कुछ उनका अंदर कुछ होगा। बेटा लाल, यह सरप्राइज गिफ्ट नहीं है। तो क्या गिफ्ट है भाई? सरप्राइज गिफ्ट तो आ रही है। ओके, लेकिन उसके पहले बबीता को अपनी आंखों पर यह लाल पट्टी बांधनी होगी। अच्छा, इसके लिए लाल पट्टी। लाओ मदद। ओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीका है अय्यर भाई। वेरी गुड। रुखा अंदाज एकदम सरप्राइज देने का। बांधो भाई पट्टी, बांधो। ओके। वाह, इंसाफ का तराजू। हाँ, खाली तराजू नहीं है। किसको फोन कर रहा है? क्या मालूम कहा पहुंचा। बड़ा गया सोसाइटी में। हाँ अय्यर, प्लीज बताओ ना क्या सरप्राइज गिफ्ट है। वेट बबीता, वेट, दो मिनट में तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट क्या है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। देखो याद है माधुरी? बिल्कुल याद है, लेकिन मैं अपनी एनिवर्सरी पे सिर्फ ये गुब्बारे भेंट दे सकता हूँ, गाड़ी नहीं। भलते लाड नहीं।
क्या ईयर, तुमने इतनी भारी गिफ्ट दिए कि हम सबकी पत्नी का दिमाग हिल गया। और नहीं तो क्या, ऐसे कोई गिफ्ट देता है समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है। भाई अय्यर, मैं तुम्हारी इस बढ़िया गिफ्ट पर तूफान एक्सप्रेस में धमाकेदार आर्टिकल लिखूंगा। थैंक यू पोपड़लाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब्जेक्ट मिल गया भाई इसको। बबीता, तुम्हें जानती हो ये स्पोर्ट्स कार की क्या खासियत है? क्या? ये स्पोर्ट्स कार फिल्मों में आ चुकी है। माय गॉड, रियली? यस। गुरोस, क्या बात कर रहे हो? कौन सी फिल्म में आई थी ये सपोर्ट कार? अरे मम्मी, सपोर्ट नहीं, स्पोर्ट। वही जॉन अब्राहम ने धूम पिक्चर में इसी स्पोर्ट्स कार में बैठकर छलांग लगाई थी। क्या वो हो फेंक रहा है यार? और धूम पिक्चर में तो जॉन अब्राहम ने बाइक से छलांग लगाई थी। बिचारे यार भाई, इतने भूले हैं, सबकी बातें मान लेते हैं। और बबीता, दिल तो पागल है पिक्चर में शाहरुख खान इसी कार को चलाकर पागल हो गया था। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो? जॉन अब्राहम में शाहरुख खान इस गाड़ी में बैठे थे। ओह माय गॉड, शाहरुख तुम्हारा जॉन। और आज हम दोनों इस कार में बैठेंगे। Thank you so much for this gift. Most welcome. अय्यर भाई, आप तो बहुत लकी हो जो आपको ऐसी गाड़ी मिली है। Very true. अरे माधवी भाभी, लकी तो बबीता है जिसको ऐसी कार अय्यर भाई ने गिफ्ट में दी है। और मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों लकी हैं। अय्यर भाई इसलिए लकी है कि उनको गिफ्ट देने के लिए इतनी अच्छी कार मिल गई, और बबीता जी इसलिए लकी है कि उनको इतनी अच्छी कार देने वाला इतने अच्छे पति मिले। ये भी सही है। अरे लेकिन अय्यर, ये तो बताओ कि इतनी अच्छी और बढ़िया कार तुमने खरीदी कहाँ से? आत्मारा, ये स्पोर्ट्स कार मेरा कार रोशन सिंह सोड़ी ने दिलवाई है। क्या बात है सोड़ी प्रा? थैंक यू सो मच सोड़ी भाई। कितना कितना मैं खरीदे? जेठालाल, दिल से दी हुई चीज की कोई कीमत नहीं होती। ओहो, इन द डायलॉग मुर्गे ना कहते फिल्मी कार देखकर फिल्मी डायलॉग। बबीता चल, सबसे पहले गाड़ी में बैठकर मंदिर चलकर पूजा करते। अरे एक मिनट बबीता जी, एक मिनट। जेठालाल, जब कोई जा रहा हो तो उसको टोकते नहीं है। बोलो क्या है? नहीं, वो केक आ रही है ना, तो केक का कटिंग बटिंग करके फिर निकलो आप लोग। अय्यर, तो फिर हम लोग केक काट के ही चलते हैं ना? थैंक यू, थैंक यू। लेकिन जेठालाल, केक किधर है? अरे हाँ, वो अभी तक ये इसलिए बोला जल्दी उठा दे, मुझे तो उठाया नहीं। सॉरी। अरे भाई, मैं गोकुल धाम से बोल रहा हूँ, क्या हुआ भाई केक का? अच्छा निकल गया, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, तक 10 मिनट बस पहुंच ही रहा है। ओके जेठा लाल, 15 मिनट में राहु काल शुरू हो जाएगा, उसके पहले मंदिर में कार ले जाना बहुत जरूरी है। 2 मिनट बस आता ही होगा, हम लोग नहीं रुक सकते। चलो बबीता। जेठा जी प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी मंदिर जाके आइए, फिर केक हम लोग राहु काल में काट लेंगे। हाँ, हम लोग 15 मिनट में मंदिर जाकर आते। आओ बबीता, वेलकम। बच्चों, ये लोग मंदिर जा रहे हैं भाई, उतरो उतरो, मंदिर जा रहे हैं लोग। अरे भाई जाने दे, एक राउंड मारने जाओ यार भाई, एक एक राउंड मारो बच्चों को, एक राउंड मारो सोसाइटी में। अरे हेलो 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 हेलो, जाओ जाओ जाओ।
अरे क्या राउंड मार, अरे माधवी महंगी गाड़ी है, कुछ होगा तो नुकसान कौन भरेगा? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी है, तुमको भरने का नुकसान, मारना देना राउंड बच्चे लोग को। तुम तो अपने स्कूटर में बच्चे लोग को कभी राउंड मराते नहीं हो, तो गाड़ी में तो मारने दो उनको। तब तक क्या केक भी आ जाएगा ना। अरे हो बस बस एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये ऐसी गाड़ी पूरे पाउडर गली में किसी भी सोसाइटी में किसी के पास भी नहीं होगी। फक्त पाउडर गली? अरे मैं तो कहती हूँ संपूर्ण गोरेगांव में ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं होगी। ओके नहीं? अरे मैं कहा जेट अंकल केक आ गया। अरे क्या कह गई? ना लेट लेते इतना टाइम यार। अंकल केक आ गया, चलो खाते हैं। ये भाई क्या केक खाता, रोक पहले अय्यर भाई और बबीता जी को केक कटिंग बटिंग करने दे, बाद में खाएंगे ना। कोमल भाभी। ओ केक भाई कितना लेट, भाई बोला था ना 10:15 बजे तक आ जाना, कितना बजा? I'm sorry सर। क्या सॉरी, जिसके लिए मंगाया होता बाहर चले गए। चल ला भी जल्दी ला, कितना हुआ बोल? सर 1200 रुपए। हेलो हाँ ये ले। थैंक यू सर। अरे ओ भाई इधर घूम के कहाँ जा रहा हो, इधर से है ना रास्ता, ये भी बारी जाता है भाई। इधर से ही निकलो सीधा। टप्पू के पापा वो बबीता जी और अय्यर भाई आए, तब तक कोमल भाभी के घर पे केक रख दूँ? हाँ रख दे, उनका फ्रिज भी बड़ा होगा। हाँ सही बात है, चलिए चलिए चलिए। अरे जाते हो भूखे, लेके जाना जरा। हाँ हाँ सब लेके जाओ, ये करना बहुत जरूरी है। चलो फ्रेंड्स हम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो दादाजी, चलो पापा। अरे आहिस्ता टप्पू, बच्चे भी ना तो कैसे खींच के लेके जा रहा है चाचा जी को। अरे सोडी ये गाड़ी अय्यर को कितने में दिलवाई तूने? सिर्फ 4 लाख में जी। 4 लाख? 4 लाख? कमाल है, इतनी बढ़िया गाड़ी इतने सस्ते में कहां से मिली? अरे जेठा परा ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी से हुआ जी। क्या मतलब? अजी तुमने वो आदमी नहीं भेजा था मेरे गैराज पे? हाँ हाँ हाँ। ये गड्डी अय्यर ने उसी से ही खरीदी है, मिस्टर पीटर फर्नांडिस से। ले तो ये गाड़ी उसकी है? ओ कल तक उसकी थी, आज से तो अय्यर परा की है। कमाल है भाई, अय्यर के हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया। सब जैकपॉट अय्यर को ही लगते हैं। अरे भाई जब तक अभी अय्यर भाई और बबीता जी आएंगे तब तुम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। ओ खड़े क्यों रहेंगे, आज संडे है तो बैठ के कर दे प्रोग्राम प्रोग्राम। हाँ सोड़ी प्रोग्राम शोग्राम करते, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला करते है। एक ही है। अरे मतलब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। लाल सोड़ी डाल, चलो जेठा ब्रा। Yeah.
बबीता हमारी खुद की स्पोर्ट्स कार में बैठना कैसा लग रहा है तुमको? अय्यर इज अमेजिंग। यू नो व्हाट, खुद की गाड़ी में बैठने की खुशी कुछ और ही है। यस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच बबीता। बबीता ये लो कार का चाबी, तुम अपने हाथ से भगवान के चरणों में रखकर इसका पूजा करना। थैंक यू सो मच अय्यर। एक काम कर दे, जूता चप्पल इधर ही उतार दे। या दैट्स बेटर। हां ओके या पूजा की थाली दे। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमें आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हो गया। तब तो पहले एक काम करते हैं। हाँ? यहाँ से बांद्रा वर्ली सीलिंग पर ड्राइव के लिए चलते हैं। फिर फाइव स्टार होटल में खाना खाएंगे और वहाँ से हैंगिंग गार्डन। बताइए एक काम करते हैं। पहले हम लोग सोसाइटी चलते हैं, क्योंकि जेठा जी ने हमारे लिए केक मंगाया है ना, तो सब लोग वेट कर रहे होंगे। ओके, आज तुम जो कहोगी वो करेंगे। सो स्वीट। चलो। अय्यर, गाड़ी कहाँ गई? हमारी गाड़ी कहाँ गई? अरे, यही तो पार्क किया था। तो कहाँ गई गाड़ी? अय्यर, गाड़ी! रुक! चोर! अय्यर, दे दो गाड़ी! रुक! कितने हमारी गाड़ी चोरी कर ली। क्या हुआ भाई साहब? वो आज मेरी कार चोरी करके लेकर गए, उसका पीछा कर रहा है। प्लीज हेल्प कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए पास चले गए भाई, उसको पकड़ने का वो चोर है, मेरी गाड़ी धीरे के लेकर गया। रुको रुको, जल्दी पास चलो, पास जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, पास चलाओ, पास चलाओ। आज एनिवर्सरी है और ये गाड़ी चोरी हो गया। अरे फिकर नहीं करने का, बैड लक बबीता, बैड लक। जाने कौन सा मुहूर्त पे मैंने ये कार खरीदी। मैंने कितना बड़ा दरबार गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदा, लेकिन बैड लक बबीता, बैड लक। I'm sorry बबीता, sorry। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? समझ में नहीं आ रहा है। चोर! उसका पीछा करो, पीछा करो उसका। Ah!
रुक 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 रुक। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। समझ गए? आकर समझाऊं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब, माय नेम इज खान। नहीं खान नहीं, माय नेम इज कृष्णन अय्यर। माय नेम इज इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बोलो क्या गड़बड़ की है? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं की है। दरअसल हम लोग एक चोर को ढूंढ रहे हैं। वो मेरी कार चोरी करके सीधा इधर पुलिस स्टेशन में चला आया। वाह, क्या शराफत आ गई है नहीं चोरों में। चोरी करने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन में आते हैं। तो तुम लोगों की कार चोरी हुई है। हाँ। तुम दोनों के जूते चप्पल कहाँ हैं? वो चोरी हो गए। एक मिनट, पहले एक क्लियर करो कि जूते चप्पल चोरी हुए हैं कि कार चोरी हुई है। इंस्पेक्टर साहब दोनों चोरी हो गए। कार तो चोरी हुई। इंस्पेक्टर साहब आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मैंने गाड़ी मंदिर के बाहर पार्क की थी, जब दर्शन करके लौटा तो मैंने देखा कि चोर चोरी करके मेरी कार को लेकर जा रहा है। तब मैंने एक दूसरी कार से लिफ्ट मांगी और उस चोर का पीछा किया। चोर सीधा पुलिस स्टेशन में आ गया। सर एक कार के पेपर। इंस्पेक्टर साहब ये वो चोर, इधर मेरी गाड़ी चुराई है। इधर मेरी गाड़ी चुराई। इंस्पेक्टर साहब ये वो आदमी। इसने अपनी गाड़ी चोरी की। अरे गाड़ी चुरा था, मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को मेरी कार को चुरा, पकड़ लीजिए इसको। ए मिस्टर अय्यर, तुम जिसको चोर बोल रहे हो हमारा पुलिस ऑफिसर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब पुलिस ने हमारी कार चोरी क्यों किया? तुम लोग जिसको अपनी गाड़ी कह रहे हो वो गाड़ी चोरी की है। हाँ। अब गाड़ी पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े लगा दो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यह कार चोरी की नहीं है, यह कार मेरी है। आई एम ओनर ऑफ दिस कार। यह कार को मैंने 4 लाख रुपए में खरीदा है। अच्छा, तो फिर गाड़ी के पेपर में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? वो मैंने अर्जेंट डिलीवरी लिया था इसलिए। अच्छा, तो वाइफ को भपाने के लिए कार चोरी करने का? नहीं, चोरी नहीं की, ये कार मैंने खरीदी है, कैश रोकड़ा देकर खरीदी है। देखो इंस्पेक्टर साहब, 2-4 दिन में ये पेपर मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। 2-4 दिन में पेपर नहीं ट्रांसफर होंगे, तुम दोनों जेल में ट्रांसफर हो जाओगे। क्योंकि ये पेपर नकली है। हाँ, ये गुजरात आरटीओ का पेपर है और रजिस्ट्रेशन मुंबई का है। हेलो मलबार पुलिस स्टेशन, हम डिंडोसी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। हाँ वही, झूठ बोलेंगे तो पड़ेंगे डंडे। देखो जो 15-20 दिन पहले तुम्हारे इलाके से कार चोरी हुई थी वो मिल गई है और चोर हमारे कब्जे में है। कार मालिक को इन्फॉर्म कर दो कि वो डिंडोसी पुलिस स्टेशन आ जाए। ओके थैंक यू। अब बोलो तुमने कार कहाँ से चोरी की? इंस्पेक्टर साहब ये कार मैंने चोरी नहीं की है, ये कार मैंने खरीदी है। क्या मैं आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक पुलिस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट मत कर। सच सच बता, तूने कार किससे खरीदी है? वो रोशन सिंह सोडी। कौन है रोशन सिंह सोडी? वो हमारे सोसाइटी में रहते हैं। तू किधर रहता है? गोकुल धाम सोसाइटी। हाँ गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली। हाँ। पाटिल। यस सर। आप भी पुलिस हो? हाँ ये भी पुलिस है, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ सब पुलिस वाले ही रहते हैं और चोर लाए जाते हैं। पुलिस चोर। अरे नहीं। पाटिल गोकुलधाम सोसाइटी से उठा के लेकर आओ।
रोशन सिंह सोढ़ी को। एक भिड़े ये बॉल में आओ। आओ सर। अरे नहीं भाई बैठ को। आप में से रोशन सिंह सोढ़ी कौन है? हाँ जी मैं हूँ, बोलिए। चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? हाँ, पुलिस स्टेशन। पर इंस्पेक्टर साहब मैंने किया क्या है? चलो पुलिस स्टेशन पता चलेगा। गलती हो गई है। मैं पर रोशन को पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब मेरी गलती क्या है? सवाल नहीं पूछने का ज्यादा। अरे ऐसे कैसे, पता तो चलना चाहिए ना किया क्या है। बोला ना सवाल नहीं पूछने का। नहीं साहब मैं यह सोढ़ी को पूछ रहा हूँ, हमें पता तो चलना चाहिए ना तुमने किया क्या है। अरे जेठा ब्रा मैनू भी नहीं पता मैंने क्या किया। मैनू भी पता नहीं मैंने क्या किया? दो नंबर का धंधा करते हो और कुछ नहीं पता? चलो मेरे साथ। हाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब मैं एक नंबर का बंदा हूँ और दो नंबर का कोई धंधा नहीं करता। हाँ? एक नंबर का बंदा दिखाता हूँ पुलिस स्टेशन। पकड़े गैल हाथ। अरे जल्दी वापस आ जाएंगे बेटा। मुझे तो लगता है पुलिस वालों को नक्की कोई गलत फहमी हुई है। अरे लेकिन ऐसे गलत फहमी में किसी को भी ऐसे पकड़ के लेके जाना कितना गलत है। क्या चल रहा है? अरे क्या कायदा वगैरह आएगी नहीं? क्या बाहर लाम निगुन गले नहीं तरह क्लास था। एक तो ये मैं तो सब भी नहीं है। हाँ? वरना उनको कायदा कानून की सब आटी गुटी मालूम है। अरे जेठालाल आटी गुटी छोड़ो, तुम्हारे साथ क्राइम रिपोर्टर पत्रकार पोपटलाल खड़ा है। कानून के सारे दाव पे जुबानी याद है मुझे, दुनिया हिला दूंगा मैं। ए भाई ये डिब्बे तू दुनिया बाद में हिलाना। और तुम लोग सब क्या खड़े खड़े यहाँ पे बातें कर रहे हो? जाओ पुलिस स्टेशन जाओ और पता करो कि सोढ़ी को क्यों लेकर गए। और ये दो नंबर का चक्कर क्या? बरोबर है जी, बरोबर है। चला चला चला। मैं भी आप लोग के साथ आती हूँ। और उसी बॉबी को साथ में लेकर जाइए। टप्पू बेटा बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं है, तुम लोग इधर ही रुको, हम लोग जाकर आते हैं, ठीक है? चलो चलो चलो। अरे एक मिनट एक मिनट, हम लोग उधर गए और इधर अय्यर भाई और बबीता जी आ गए। तो क्या नहीं, वो केक मंगा के रखा है तो फिर वो सब बाकी रह जाएगा ना। एक काम करते हैं, उनको आ जाने दो, केक कटिंग बटिंग का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद हम सब लोग अय्यर भाई की गाड़ी में बैठ कर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। ये बराबर बोला अंकल। अरे क्या बराबर बोला गोया, प्रसंग काय बोलतो इसका तू? और जेठालाल उनकी गाड़ी में हम सब कैसे जा सकते हैं, वो टू सीटर है। तो एक काम करेंगे अय्यर भाई को बोलेंगे बारी बारी एक एक को छोड़ के आएंगे पुलिस स्टेशन, इसी बहाने सबको उनकी गाड़ी में राउंड भी मिल जाएगा। जेठिया जाने वे। चलो चलो भाई चलो 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 का जमाना ही नहीं। पकड़े क्यों नहीं डाला लौकर? कस्तूर क्या वो तो बताओ। सर पुजारा केस की फाइल मिल गई सर। अरे वाह पकड़े क्यों डाला? नाम बोल। मिस्टर अय्यर। पूरा नाम बोल। मिस्टर कृष्णन अय्यर। तेरे बाप का नाम क्या? मेरे पिताजी नहीं। मिस्टर कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। अय्यर बबीता जी आप लोग पुलिस स्टेशन पे कैसे? सॉरी भाई कुछ कंफ्यूजन है, ये पुलिस वाले हमारी गाड़ी यहाँ पे लेके आए और कहते कि गाड़ी चोरी की है। क्या कार चोरी की है? यार सर रोशन सिंह सोढ़ी जी, मेरा नाम रोशन सिंह सोढ़ी है जी।
मार्शल इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। हाँ जी, झूठों को तो डंडे पड़ना ही चाहिए। धंधा क्या करता है? जी मेरी कार रिपेयरिंग का गैराज है और साथ में मैं सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदता और बेचता हूँ, और ये गड्डी मैंने अय्यर को दिलवाई है जी। हाँ। अच्छा, तो तू भी कार चोरी के रैकेटिंग में शामिल है? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी कार चोरी के रैकेट में शामिल नहीं हूँ। और हम लोगों ने कोई गड्डी वड्डी चोरी नहीं किया, हम लोग तो बड़े शरीफ इंसान है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ईमानदारी की खाते हैं जी। और इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस कार के लिए कोई कमीशन भी नहीं लिया, पूछो अय्यर से, अय्यर बताना यार। हाँ करेक्ट है, कोई कमीशन नहीं लिया इसने। तूने चोरी कार में प्रॉफिट इतना तगड़ा कमाया है तो कमीशन क्या खाक लेगा? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे अय्यर मेरा दोस्त है, कमाल कर रहे हो आप। सच सच बोल, तूने कार किससे खरीदी? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो कोई मिस्टर पीटर फर्नांडिस है, उनसे इनको मैंने ये गड्डी दिलवाई है। पीटर फर्नांडिस, कार चोरी में एक और सुराग। उसे कब से जानता है? वो इंस्पेक्टर साहब, दो दिन पहले ही मैं उनसे पहली बार मिला था। वो हवा से गिरा था या पेट से टपका था? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो इसी कार में बैठ के मेरे पास आया था जी। सच सच बोल, तू उसको कब से पहचानता है? ओ जी, वो जेठा प्रा के थ्रू मेरे पास आया था। सॉरी, वो कार वाले को तेरे पास जेठालाल ने भेजा था? हाँ यार। एक मिनट, ये जेठा प्रा और ये जेठालाल, ये दो लोग कौन है? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जेठा प्रा और जेठालाल दो अलग नहीं, एक ही बंदा है जी। अरे बबीता के अय्यर भाई, आप छोटी, ये लोग कहाँ मिल रहे हैं? अय्यर तुम यहाँ कैसे? मंदिर में जाने वाले थे ना ये? छोटी, ये लोग कहाँ मिल गए? जेठा जी, हुआ यू की तुम लोग जिसको अपनी गाड़ी कह रहे हो, वो गाड़ी चोरी की है। तो ये बात है इंस्पेक्टर साहब, यह जेठालाल है, आप इनको ही पूछिए। तुम दोनों उधर जाओ। अरे इधर आ। तो तू है इस कार चोरी की अगली कड़ी? नहीं नहीं, मैं कोई कड़ी बड़ी नहीं हूँ, मैं तो सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है मेरी। नाम क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे तेरा पूरा नाम क्या है? मेरा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तुम्हारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बाप रे, नाम है क्या, मुहावरा है? नहीं नहीं चालू भाई, मतलब पांडे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरा बापूजी का नाम चंपकलाल ही है। तो ये बताओ, ये पीटर फर्नांडिस कौन है? अमर अकबर अंतरिम अमिताभ बच्चन का नाम था। अरे वो तो एंथनी गोंसाल्विस था। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ए पीटर फर्नांडिस का मालूम नहीं कौन। ओ कमाल कर रहे हो जेठा परा, और तुमने भेजा नहीं था वो आदमी को मेरे गैराज पे, उसी का तो नाम था पीटर फर्नांडिस, जिससे अय्यर को मैंने गड्डी खिलवाई। अच्छा, वो उसका नाम पीटर फर्नांडिस था? ओ सॉरी, मुझे नहीं मालूम। वो तो मेरी दुकान में मोबाइल लेने के लिए आया था, बस तभी मैंने उसको पहली और आखिरी बार देखा। सब समझ गया, तुम लोग एक एक करके एक दूसरे पे नाम डालकर इस रैकेट से बचना चाहते हो। नहीं 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 नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। लगा बोलो
इंस्पेक्टर साहब हम लोग सच बोल रहे हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। बराबर है। सब चोर और गुनहगार एक ही बात बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हवालात की हवा खाते हैं और इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे खाते हैं, पोपट की तरह बोलने लगते हैं। चालू पांडे, अब मैं पूरा यकीन हो गया है कि तुम सब लोग इंटरस्टेट कार चोरी रैकेट में शामिल हो। मल्लार पाखरे। यस सर। ये दोनों लेडीज को छोड़कर इन तीनों को अंदर डालो। इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सबूत के इनको लॉकअप में बंद नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूं? क्राइम रिपोर्टर फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, पत्रकार पोपटलाल। जानता हूं मैं कानून के सारे दांव पेच और चाल। आप अभी इसी वक्त इन सबको लॉकअप के बाहर निकालिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करूंगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, मानव अधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं देश का कानून मंत्रालय सबको हिला दूंगा। अरे मैं कानून की ईंट से ईंट बचाकर, अरे मैं कानून की ईंट से ईंट बचाकर रखूंगा। पाखरे, याला पना अटक रे। आप ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, आप जानते नहीं मैं कौन हूं? चालू पांडे, पत्रकार पोपटलाल महाशय, प्रेस के पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए और पत्रकार होने का गलत फायदा उठाकर एक सरकारी अधिकारी के काम में अड़चन डालने के लिए और एक पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में तुम्हें अभी इसी वक्त लॉकअप में डाला जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। चलो बाद में हम बात करते हैं, आइए। नमस्ते। अभी किया ना? हाँ। वैसे आप महाशय कौन? जी दरअसल हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव इसमें पाउडर का लिए ना, वहाँ पे सोसाइटी है और मैं उसी सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, और मैं शिक्षक हूँ सर। क्या होगा इस देश का, एक साइंटिस्ट, पत्रकार, शिक्षक भी कार चोरी के रैकेट में। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, तुमसे इतनी गैरसमझ होते हो। अरे उस कार चोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे कार की क्या जरूरत है, मेरे पास खुद एक स्कूटर है ना, साइड कार वाली, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ इंस्पेक्टर साहब। अरे समझो है ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बबीता, वो मेरे पति है। हाँ किसकी पत्नी? या मेरी पत्नी है। फिर तू क्यों हाथ ऊपर कर रहा है रे? नहीं नहीं, मैं बता रहा था वो उनकी पत्नी है सर। चालू पांडे, देखिए आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और अय्यर ने मुझे एक कार गिफ्ट के तौर पे दी थी। हम तो सिर्फ मंदिर गए थे दर्शन के लिए, बाहर आए तो देखा गाड़ी चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी की है कि नहीं है हमें कुछ नहीं पता, आप प्लीज प्लीज हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका वेडिंग एनिवर्सरी का मैंने केक भी मंगाया, उधर सोसाइटी में ऐसे ही पड़ा, काटा नहीं इन लोगों ने।
अगर आप इजाजत देते हो वो कटिंग बटिंग करके फिर वापस आते चुप। क्या करते हो जेठालाल? अरे भाई मैं इधर से बाहर निकलने का आइडिया सोच रहा हूँ भाई। देखो मैडम, आप लोग वहाँ शांति से बैठिए और तू वहाँ बाजू में खड़ा रहे। लेकिन मेरी बात तो चुपचाप बैठो मैडम। अरे आप लोग गलत कर रहे हो, देखिए इतना समझ रहे हैं आप। शोर शराबा नहीं, अभी कुछ ही देर में कार का असली मालिक आएगा, तब तक तुम सब लोग लॉकअप में रहोगे। एकदम चुप। यह सब जेठालाल की वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा वेडिंग एनिवर्सरी मुझे ऐसा जेल में मनाना पड़ रही है। अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है। अगर तुम बबीता जी को गाड़ी की जगह पे कुछ और गिफ्ट में देते तो ये सब होता ही नहीं ना भाई। जेठालाल मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं जो चाहूँ वो बबीता को गिफ्ट में दूंगा, तुम्हें क्या चिंता है? और तुम कौन होते मुझे बोलने वाले कि कार नहीं दी, ये क्यों दिया, ये नहीं दी, वो क्यों दिया? अरे ये अपराध छोड़ना यार, अब क्यों बहसबाजी कर रहा है? जो होना था हो गया। क्या छोड़ छोड़ी, क्या छोड़? और तेरे को भी वही कार मिली थी मेरे को बताने के लिए, और कोई दूसरी कार नहीं थी तुम्हारे पास में? यार मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे क्या पता था वो गड्डी चोरी किया, वो तो जेठापुरा का आदमी था, तो इसलिए मैंने कोई खोज खबर की नहीं। बराबर है, इसमें सोढ़ी की क्या गलती है? मैं तो बोलता हूँ किसी और की गलती है ही नहीं, सब गलती तुम्हारी है। तुमने शादी क्यों की? शादी की तो आज वेडिंग एनिवर्सरी आई, अगर शादी नहीं की होती तो वेडिंग एनिवर्सरी आती नहीं, ये गिफ्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता। देख चुप रहो, अभी क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा चलो मान लो एक बार गलती हो गई, भूल से शादी कर भी ली, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा वो भी चलो एक बार तय कर लिया मनाने का, लेकिन जब एक आदमी बोल रहा है कि भाई केक तैयार है, उसको काट के आप जाओ, अगर आप केक काटने के लिए उधर खड़े होते तो ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब? केक जो आया था। अरे जेठालाल, केक बाद में कटे या पहले कटे, भाई गाड़ी तो चोरी की है ना। करेक्ट पोपटलाल, एकदम करेक्ट, गाड़ी तो चोरी की है ना। जेठालाल वो पैट्रिक तुम्हारा कस्टमर था, उसको जल्दी से फोन करके इधर बुलाओ। ये पैट्रिक कौन है? अरे वही जितने हमको कार बेची थी। यार वो पैट्रिक नहीं है, पीटर फर्नांडिस है। हाँ वही पीटर, एक नंबर का चीटर, उसको बुलाओ ईटर। मतलब इधर। अरे 4 लाख गए, वेडिंग एनिवर्सरी भी बिगड़ गई, और ऊपर से चोर का ठप्पा लगा वो अलग। जेठालाल हमें किसी भी तरह से उस पीटर को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन भाई कहाँ से ढूंढू उसको, वो तो मेरी दुकान पे मोबाइल लेने आया था, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है वो कहाँ रहता है, उसका क्या होता पता है, कुछ मालूम नहीं है। अरे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। अरे भाई तो खड़ा क्या, कब से सुन रहे, लगा उसको फोन लगा जल्दी 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 सॉरी जल्दी फोन लगा प्लीज प्लीज। अरे यार स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। चल अंदर। अरे इज्जत चक, स्त्री खराब हो जाएगा गंजी। अरे भोसले तू का भी इधर ट्रांसफर हो गया। अरे खोल कर रखने का, तेरे को मालूम है अपना हर जगह पे आना जाना लगा रहता है। अरे चल बहुत हो गया। भाई अपना लॉकअप तो एकदम 5-स्टार होटल लग रहा है। ये देखो एकदम सूटेड बूटेड लोग आए ले। चल चल 1-2-1 करके सबका इंट्रोडक्शन करा, लेके आ सबको अपने पास। चलो मोटू से शुरू कर। चले मोटू। ए भाई, अरे ये मोटू को तो अपन जानता है। क्या बात कर रहे? हाँ, अरे मेन रोड पे इसका चकाचक दुकान है, इसी ने तो अपने को चार्जर चिपकाया था।
ये जेठालाल की दुकान पर भी कैसे चोर उचक के लोग आते हैं। तो ये है वो डुप्लीकेट चार्जर चिपकाने वाला, आज इसका मैं मोबाइल नेटवर्क ही खोल डालता हूँ। भाई भाई, आपको कोई गलत फैमिली हो रही है। बोले तो क्या है ना कि ये एकदम ईमानदार आदमी है, इसने मेरे को एकदम ओरिजिनल चार्जर दिया और बोला कि भाई 500 भले ज्यादा जाए, माल एकदम ओरिजिनल यूज करने का। वो डुप्लीकेट का क्या नाम कभी भी फूटता है। तो पहले बोलने का ना कि ओरिजिनल है और ईमानदार आदमी है। सॉरी भाई, ये अपना छपरी का थोड़ा लेट बोलता है। बाय द वे सेठ लोग, ये लॉकअप के अंदर तुमको कुछ भी ओरिजिनल आइटम बनता है ना, तो भोला भाई को बोलने का, डरने का नहीं, क्या अपने एरिया बिंदास रहने का, कुछ भी रहेगा बोला लेना, अपने गुपचुप में बैठ ले। हाँ बैठो बैठो भाई, बोलेंगे भाई, कुछ भी जरूरत होगा तो तुम्हें बोलेंगे। चले चल मालिश कर चल। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मुझे तो बेचारे सोल्टी भाई की चिंता हो रही है। बहु चिंता मत कर, जेठा और सोसाइटी वाले सब गए ना पुलिस स्टेशन, सोल्टी को कुछ नहीं होगा। अरे अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे मायूस होके क्यों खड़े हो, जाओ जाके खेलो। हाँ बच्चों, नहीं जब तक मम्मी पापा नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूँगा। अरे गोगीड़ा, तेरे मम्मी पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हा? हाँ सपूड़ा जा, सब बच्चों को घर ले जा और जाके सब लोग वीडियो गेम खेलो, जाओ। जी दादाजी। चल गोगी। नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे गोगी, तेरे मम्मी पापा अभी आ जाएंगे। सच्ची? नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे चलना गोगी, प्लीज गोगी चलना। अरे जा गोगी, प्लीज गोगी चलना। अरे चलना गोगी, अरे चल, अरे चलना गोगी, अरे तेरे मम्मी पापा अभी आ जाएंगे। बबीता जी, ये कार चोरी का मामला तो बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता ये चालू पांडे किसी की सुनेगा। भीड़े भाई, आप एक काम कीजिए ना, आप मेहता साहब को फोन लगाइए, अगर वो यहाँ पे आए तो शायद उनकी कोई पहचान निकल जाए। हाँ तदन साची बात है, आप मेहता जी को फोन लगाइए। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया। चल दबा दबा, बरोबर दबा, बहुत मेहनत करना पड़ता, ऐसा ऐसा करना पड़ता, हाथ दबा बरोबर। इसको बोलते गरीबी में आटा गीला। अरे उनका फोन नॉट रीचेबल है। असली मालिक का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। सॉरी, कार का असली मालिक आए या न आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पीटर फर्नांडिस मिलना चाहिए। हाँ भाई हाँ, हमने कार उससे खरीदी है। और वो तो तुम्हारा कस्टमर है ना जेठालाल, तुम्हारे पास तो उसका कुछ अता पता होगा। अरे नहीं मालूम है भाई। तो फिर किसी को भी ऐसा ही मोबाइल बेच देते हो तुम? अरे दुकान लेकर बैठा हूँ तो जो भी कस्टमर आएगा उसको मोबाइल तो बेचूंगा ही ना, क्या रजिस्ट्रिंग कार्ड मांगू उसके पास? नटू काका, नटू काका। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा मैनेजर है दुकान में, नटू काका, शायद उनके पास पता होगा पीटर का। नटू काका मतलब कार चोरी की अगली कड़ी। क्या नंबर है उसका? नटू काका का? हाँ हाँ हाँ, लिखो 080-1039। आराम से आराम से। 122 इसका फोन तो लग ही नहीं रहा। हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मतलब वो फोन कभी बंद रखते ही नहीं है। नटू काका का एड्रेस क्या है? अरे जरा खोलना, एड्रेस बताने कैसे आपको? कानून के कान भी बहुत लंबे होते हैं। बोलो उधर से। 25/ है भाद्रन नगर मलाड वेस्ट। नटू काका। धीरे धीरे नटू काका। अरे सेठ जी। नटू काका। अरे 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 सेठ जी, आप पोपटलाल सोडी जी अय्यर साहब सब लॉकअप में? अरे हाँ भाई, कब से आपका फोन लगा रहा, आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे क्या करूं सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैटरी का कॉन्टेक्ट लूज हो गया है तो कभी कभी फोन अपने आप बंद हो जाता है। सेठ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तो मेरी पगार बढ़ा दीजिए ताकि मैं नया मोबाइल ले सकूँ। और अभी आप इधर पगार बढ़ाने के रामायण का शुरू कर रहे हैं? ए चड्डी, इधर आ। जाओ जाओ जाओ।
नाम क्या तेरा? नटवरलाल प्रभा शंकर ऊंधाई वाला, लेकिन लोग मुझे प्यार से नटू काका कहते हैं। तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे साहब, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन साहब आपने मेरे सेठ जी को और सोसाइटी वालों को लॉकअप में बंद क्यों किया है? उठो सर। नटू काका, एक मिनट जरा, छोड़ो एक मिनट। अरे बाजू हटा ना यार भाई। नटू काका जी, सेठ जी, वो हमारी दुकान में वो कस्टमर आया था ना, फर्नांडिस। फर्नांडिस? अरे भाई नहीं, जिसको आपने मोबाइल बेचा था, फिर वो बोल रहा था कि उसके पास एक गाड़ी है जो बेचनी है, तुमने उसको सोटी के पास भेजा था, वो बकरा दाढ़ी ऐसा टोपी पहनी थी। हाँ हाँ, याद आया सेठ जी। आप उसको जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। बस तो आप अभी इंस्पेक्टर साहब उसके बारे में जो भी पूछे ना वो सब बताओ। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी नटू काका। अच्छा, जानते हैं भाई, जानते हैं। चलो हस। बोलिए साहब, आपको क्या जानना है पीटर फर्नांडिस के बारे में? पीटर फर्नांडिस का पता? उसका पता वो तो नहीं पता साहब। और क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में, वो पूछिए। अब जो जानते हो वो बोलो। सुनिए साहब, 5 रुपए की दोस्ती, मेरी और पीटर फर्नांडिस की सबसे पहली मुलाकात तकरीबन 8-10 दिन पहले पद्मावती भोजनालय में हुई थी। वो पद्मावती भोजनालय में खाना खाने आया था, बिल चुकाने के लिए उसके पास 5 रुपए कम पड़े, तो मैंने उसे उधार दिए। दूसरे दिन वो फिर आया, खाना खाने नहीं, मेरे 5 रुपए लौटाने। तीसरे दिन वो फिर आया, फिर उसके पास 5 रुपए कम पड़ गए, मैंने उसे फिर उधार दिए। इस तरह हम दोनों के बीच 5 रुपए का आदान प्रदान 2-3 दिन तक चालू रहा। लेकिन साहब, जब से वो हमारी दुकान से मोबाइल लेकर गया है ना, तब से मुझे नजर नहीं आया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वो कहीं भी दिखे तो सबसे पहले आपका सब काम छोड़ के मेरे 5 रुपए ले लेना। एक बात पूछूं? पूछिए साहब। जब पीटर फर्नांडिस तुम्हारी दुकान में आया तो तुमने उससे 5 रुपया क्यों नहीं मांगा? आई एम सॉरी सर, मेरा उसूल है, आई डोंट मिक्स माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। छोटी, थोड़ा किसको जगा करो। क्यों? नटू काका भी आएंगे अभी अंदर। बाखरे ठाकुर साहब, चला। अरे लेकिन मेरा क्या कसूर है? वो अंदर मालूम पड़े, ले घुस ले। अरे काय बोल तो यार मानूस, मेरा क्या कसूर है? लेकिन इधर किसी का कुछ कसूर नहीं है, बस ऐसे ही मजा आता है उनको। दादर, पांच रुपए की दोस्ती की, उधर आप कहानी उधर शुरू की, अरे उसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको, वो बोलो ना उसको। सेठ जी ऐसे तो सब बात पंचायत करते हैं आप, सबको पूछते रहते हैं इसके बारे में उसके बारे में, उसके बारे में सब पूछना चाहिए ना आपको।